अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे अंडा कढ़ी। आज हम आपको बताएंगे घर में आसानी से अंडा कढ़ी कैसे बनाते हैं, जो बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी। ये हमने 5 अंडे लिए हैं, जिनको हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। अब इनमें हम एक एक करके कट लगा लेंगे। इस तरीके से बीच में हमें कट लगा लेना है। कट लगाने से हमारे अंडों को मसाला अच्छी तरीके से लग जाएगा। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हमने 1 चम्मच तेल डाल दिए हैं, 5 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे हम, 5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे हम। अब जो अंडे लिए थे हम वो इसमें डाल देंगे और अंडों को अच्छी तरीके से इसमें तल लेंगे। हमने सभी अंडे डाल दिए हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे अंडे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये हमने आलू लिए हैं, ये 4 आलू हैं, जिसको हमने 2 कर दिए हैं। एक ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। हमारे घर में आलू ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम आलू को भी ऐसे ही मसालों में फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे भी निकालेंगे एक प्लेट में। अब हमने एक पैन लिया है, जिसमें 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल डाल दिए हैं, 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी कट करके, वो हम इसमें डालेंगे और इसे ब्राउन कर लेंगे। 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया है, 7 से 8 कड़ी पत्ते डाल देंगे हम। हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये टमाटर की प्यूरी, 2 मीडियम साइज के टमाटर लेकर हमने मिक्सर में पीस लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हम मसाले डाल देंगे। 5 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है हमने, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे हम, 1 से 1.5 चम्मच हमें धनिया पाउडर डाल देना है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हम चिकन मसाला पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेना। अगर आपके पास चिकन मसाला पाउडर ना हो तो आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालकर मसाले को हम भून लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा मसाला नीचे लगेगा नहीं और मसाला अच्छी तरीके से भुना जाएगा। ये नारियल है, 1/2 कप हमने नारियल का पेस्ट लिया है। ये गीला नारियल है जो हमने मिक्सर में डालकर पीस लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से हमें भूनना है। अब हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक इसे पका लेंगे मीडियम आंच पर। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुना जा चुका है। हमारे मसालों से तेल अलग हो चुका है। जब हमारे मसालों से तेल अलग हो जाए तभी इसी का मतलब है कि मसाला भुना जा चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे, जो हमने तलकर बॉईल करके जो हमने अंडे तल लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे। आलू भी डाल देंगे हम इसमें। अब हमें आलू और अंडों को मसालों में अच्छी तरीके से भून लेना है। 5 मिनट तक हम ऐसे ही भून लेंगे। हमारे अंडे अच्छी तरीके से मसाले में भुने जा चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। पानी आप जब भी डालें तो आप गर्म करके डालें, ठंडा पानी आप ना। ठंडा पानी डालने से उसका टेस्ट खराब हो सकता है कढ़ी का, तो आप भी पानी डालें तो उसे गर्म करके डालें। देखिए हमने ढककर इसे 5 मिनट पका लिया था। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी अंडा कढ़ी बनकर तैयार है। ये कस्तूरी मेथी है, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी ली हमने, जिसे इस तरीके से रब करके हम डालेंगे। ये धनिया डाल दिया है हमने, आप इसे ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।